बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी, तो मैं तुसा ना मेज़बान आसिम रियाद। नाजरीन, मैं मौजूद हाँ अज रावलपिंडी फुवारा चौक ने अंदर। और नाजरीन, तुसा की पता है कि रावलपिंडी नी जड़ी जिले इंतजामिया और TMA है, म्यूनसिपल कारपोरेशन रावलपिंडी, इन्हें एक ऑपरेशन शुरू किया असा शहर ने अंदर कि जी तजावजात तू जड़ा ना वो पाक करना शहर की। और काफ़ी हद तक अगर मैं गल करा तो झूठ नहीं होने लगी कि राजा बाजार ने जितने भी मुलका सड़क या जितने भी मुलका छोटे छोटे जगह हैं जड़िया छोटिया छोटिया और जो छोटे छोटे बाजार है वो काफ़ी हद तक जड़े साफ हो गए। लेकिन सवाल यह आ कि जैसे ही ऑपरेशन करी के इंतजामिया आ गया जानी तो अद्धे घंटे या घंटे बाद दोबारा जड़िया तजावजात या वो कायम होना शुरू हो जानिया। इस ना जिम्मेदार कौन है, क्या आया इस ना जिम्मेदार वो दुकानदार हजरात है जेड़े अपन दुकाना ने अगर तजावजात कायम कराने। जाहिर गल है जे जिन्हें दुकाना ने अगर तजावजात कायम होनिया वो बकायदा तौर पर किसी रेहड़ी अलग नूं किसी ठेले अलग नूं किसी स्टॉल अलग नूं जो बकायदा महीना पैसे किन्ने। लेकिन ये जड़े पैसे होने ये सिर्फ दुकाना तक महदूद नहीं रहने, एक किधर होर भी इसका हिस्सा जोड़ा वो जाना। अज ने प्रोग्राम वाले रावलपिंडी ने अंदर ये तमाम तर चीज़ा असं डिस्कस कर सा और कोशिश असं कर सा कि कुछ लोगों गुफ्तगू करिए। और तुसा की ये भी दसिया कि जिस टाइम ऑपरेशन होना जिस तरह मरिया कभी तुसा की गड्डी नज़र अचनी हो सी सुजुकी लंघसी तो तुसा की नज़र अच्छी वो सामने सुजुकी गड्डी खलती जी कि म्यूनसिपल कारपोरेशन रावलपिंडी नी गड्डी है। लेकिन अमला जड़ा है वो असा की नज़र नहीं पैछना। जिस टाइम इस साइड पर ट्रंक बाजार या बाड़ा मार्केट या इस सामने जो बाजार है इतना जो भी ऑपरेशन होना तो इतों जितनिया रेहड़ियाँ हैं ना वो इस साइड पर माड़े इस साइड पर सामने सिटी सदर रोड है वो सिटी सदर रोड ना रुख करने तो इधर जाकर रेहड़ियाँ कट्ठिया हो जाए। जैसे ही इंतजामिया वापस जानी फिर वही दमा दम मस्त कलंधर होना उ सड़क होनी उ ट्रैफिक जाम रहना मामूल उ मामलात उ हालात उ वाकयात ये तमाम तर चीज़ा मैं अपने इस प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी के अंदर डिस्कस कर सा। तुम हमेशा नहीं तरह माड़ा साथ देना। इस तू पहले मैं कोई और गल करा, मेरे नाल मौजूद है अनवर लख मुगल साहब, ये मेरे साफी भाई है। इन्हें कि मैं इतना तकी क्या रोकी कि मैं क्या चलो अज अनवर भाई नाल मुलाकात भी होगी साहबाने चलो इन थोड़ी जी चिट चैट भी करी कि ना बड़ी गहरी नज़र रखने रावलपिंडी शहर पर बड़े मंजे हुए साफी भी है। तो अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम सलाम सर, ठीक हो? सर मैं अल्लाह का बड़ा फजल है तो मैं शुक्रिया अदा करना तुसा इस काबल समझा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जी 10 साल साफत है मेरी इस शहर के अंदर मैं उसके बिहाव से तुसा गुफ्तगू करा। अच्छा गल इस तरह है कि तजावजात के हवाले गल की है, शहर का बहुत बड़ा मसला है तो बहुत बड़ा मसला होने ने नाते जड़ा दरीना मसला भी है। ये कोई 1-2 साल 5 साल 10 साल का नहीं है, ये पहले भी इस हवाले कई ऑपरेशन होए ने। इस अदालतों की जानब जो साढ़े मुअज्ज़ज़ जज साहिबान ने उन्हों की डायरेक्शन मौजूद ने कि शहर जड़ा इस तजावजात तो पाक किया जाए। लेकिन मसला उही है जो तुम अपनी इंट्रो बोला है कि तजावजात के हवाले कई ऑपरेशन होने बकायदा तौर पर TMA का एक शोभा तजावजात इंसदाद तजावजात जोड़ा मौजूद है उन्होंने अमला मौजूद है गड़िया मौजूद ने सब कुछ मौजूद होने के बावजूद असी तकने कि शहरी सहन तजावजात नज़र आने। लेकिन ऑपरेशन होना ऑपरेशन कमिश्नर की जानब तो या उत्तों हुकूमती हदायात की वजह तो ऑपरेशन होना है। लेकिन उस तो बाद दोबारा सहने जोड़े लोग इतने मौजूद नज़र आने। आखिर इसकी वजह के वे असी बहुत दफ़ा इसके उत्ते सर्वे भी किए हैं जिहड़े दुकानदार ने असीं उन्हां कोलों भी सवाल करने हैं कि आया क्या इस दे जिम्मेदार तुसीं लोग हो। हर ताजर तंजीम का जिहड़ा भी सरबराह है वो सैन स्वाद अल्फाज कहना जी असीं तो इस दे हक नहीं हाँ, इन्हां दे खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए शहर साफ होना चाहिए। लेकिन वजह के वे जो तुसीं दुकानदारां नाल गल करो इंतजामिया तो पा देने कि भाई ये इंतजामिया साफ करे, इंतजामिया नाल गल करो कहने जी ये दुकानदार अगे आड़े आ जाने। हुण जिस तरह असीं तक रहे हैं कि मौजूदा दिनां जिहड़ा खसूसन जे ACCT ने हकम खान साहब उन्होंने तरफों बड़ा स्टिक ऑपरेशन जारी है मुख्तलिफ बाजार जरा खसूसन बाड़ा मार्केट की मैं गल करता कि बाड़ा मार्केट वो मार्केट है जो रोड है मतलब कि रोड रोड की साइडा दुकाना ने। लेकिन असी आम दिन उ जाइए तो रोड के उत्ते स्टॉल लगे होने, लेकिन इन दिनों अगर तुम कैमरा भी लैके जाओ गड़ी अपनी लैके जाओ थोड़ी तो गड़ी भी गुजर जाएगी। आखिर आम दिन पैदल बंदा नहीं उठू नहीं गुजर सकना। लेकिन अजकल जोड़ा है हकम खान साहब ACCT मतलब कह लो कि इंतजामिया की तरफों एक बड़ा ऑपरेशन जारी है जिसका सन नतीजा नज़र आ रहा है कि वो साफ है तजावजात ना होने ने बराबर। लेकिन इसका मुस्तकिल हाल के वे सवाल है वे आखिर इस जो लोग तजावजात की सूरत ही सहन नज़र आने इन्हों भी रोज़ रोज़गार इसी वाबस्ता ने
कोई ऐसा बंदा नहीं शौक नाल रोड ते आण के बह जावे जां रोड ते आण मजदूरी करे। इसका हल जिहड़ा ताजरां नाल भी गुफ्तगू हुई, वह कहने इन्हां वास्ते सैपरेट जगह दे दी चीज़ां, लेकिन साढ़े नज़दीक अगर माजी का मुताला किया जाए तो माजी भी इन्हां वास्ते जगह दी गई ने, मुख्तलिफ बाजार जिहड़े इन्हां वास्ते दिते गए ने, बनी मार्केट इन्हां से एक स्पेसिफिक पॉइंट से जिहड़ा इन्हां वास्ते दिता गया, उत्थे जाके दुकाना करो इत्थों उठो, लेकिन साड़ी हुण आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हुण वह जगह भी नाकाफ़ी है। तो इस वास्ते इंतजामिया को असी भी बतौर साफी होने असी इन्हां दे मसाइल सुनने, सहन भी दिल असी रखने, इन्हां दे भी बच्चे ने सारे रोजगार चलाने ने, इन्हां वा ऐसी कोई जगह दिती जावे जिस तो बाद इन्हां दा ऑपरेशन भी होवे, इह जगह भी साफ होवे। हुण असी जिस जगह पर फवारा चौक खलते हैं इतना अहम मुकाम है, यह सामने सिविल अस्पताल है, डी एच क्यू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, इतने जितनी आमदोराफ्त होनी है हंगामी मरीज आने ने, एम्बूलेंसा आनी ने, उस तो इलावा इतने थाने भी ने, ठीक है, बाकी इमारत भी ने, लेकिन अच्छा एक तो मसला तजावजात का जोड़े रेहड़ियों वाले हो गए या टीएँ वाले हो गए, उस तो अलावा एक साढ़े शहर का बेहंगम पार्किंग भी है, जोड़े मोटरसाइकिल गड्डिया जोड़ा बेहंगम तौर पर जोड़ा सड़कों पर खिलार देने, इन वास्ते पार्किंग प्लाजा एक ऑलरेडी मौजूद है, साढ़े कैमरामैन के हक़ मौजूद है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। उस वास्ते इंतजामिया ने पहले भी काफ़ी दफ़ा किया जी, असी पुराना म्युनसिपल कारपोरेशन दफ्तर है उसको भी बनाया, मुख्तलिफ जगह और भी तक रहे हैं, लेकिन जिस टाइम तक उस अमल दरामद नहीं होना, पार्किंग के मसले हल नहीं होने, उस तो इलावा तीसरी गल इस शहर के अंदर जोड़ा मसला है, ये जितनी भी बिल्डिंगा बननिया ने बिल्डिंग बाई लाज की जोड़ा ना खिलाफ वर्जी सहन नज़र आनी है, हर वही बिल्डिंग वास्ते पार्किंग एरिया जोड़ा होना लाजमी है, लेकिन हर बड़ी बिल्डिंग माजरत सुनी गल टोकी, हर बड़ी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत मेरे भाई गल की कि कार पार्किंग बड़ी मस्त है, और राजा बाजार एक गुंजान आबाद इलाका आ, और इस इतना बड़ा तजारती मरकज़ है पिंडी ना कि सब तो बड़ा अगर तजारती मरकज़ आख्या जाए तो गल रद्द नहीं की जा सकनी। कौर भाई मेरे नाल इत्थे मौजूद है जी, इन्हां नाल भी गुफ्तगू करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या आखना चाहे हो सर जी? जोड़ा काम मेरे भरा ने थोड़ी देर पहले किया साफी हजरात सब, इन्होंने नॉलेज चीज़ है सारा कुछ, लेकिन थोड़ा नॉलेज इन्होंने नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने कहा है ना कि इन्होंने बकायदा जगह दी गई है, ठीक है जी, जगह दी गई है, मैं नहीं कहना कि नहीं दी गई है, ठीक है, बनी मार्केट दी गई है, नमक मंडी इन्होंने गजनी मार्केट दी गई है, लेकिन गजनी मार्केट मैं इन्होंने ये कहना जिते तक खमीर हो बंदा उत्थे नहीं सुटा सीधा, इन्होंने काम से जो इतों ये बाजार गए ये वड्डिया मंडिया इतों गई, इन्होंने काम से इन्होंने परचूनिया भी उन्होंने इस्लामाबाद भी सुट दे, ठीक है जी, कि जिसे इन्होंने काम कारोबार चलता, इन्होंने इन्होंने चुके सुट दिता गजनी मार्केट, गजनी मार्केट मेरे ख्याल त्रै त्रै चार चार महीने उत्थे बैठे रहे, ठीक है जी, एक एक बोरी उन्होंने नहीं विकी, वो गरीब मजबूर हो गए, आखिर फिर इतने आए, ठीक है जी, वो जी दुकाना उन्होंने दी गई सन या वो दुकाना कैंसल हो गई, ठीक है जी, या उन्होंने 10-15 हज़ार या 20 हज़ार दुकान बेची है, ये कोई बड़ी गल नहीं है, इन्होंने ज्यादा की गई है, इन्हों को बकायदा लैके वो इन्होंने परमिट लैके, ठीक है जी, इंतजामिया ने मिली बुकत के नाल, क्योंकि बाहर जरा मैन जो दुकाना सन वो इंतजामिया ने बेच दी पैसे लैके लोगों के, ठीक है, पैसे अच्छे पैसे लैके बेच दी गजनी मार्केट से बाहर, और जो अंदर की दुकान गरीबों दी गई हूँ, ये दुकान इसलिए कामयाब मार्केट कामयाब हुई है, उत्थे मुर्गी मार्केट गई है, ठीक है जी, मुर्गी मंडी गई है वही थोक की मंडी, तो जाके वो मार्केट कामयाब हुई है, वरना वो मार्केट कामयाब नहीं हो रही थी, ठीक है जी, ये थोड़ा जहा ज्यादा है। असं कहने देखो असं पिंडी के शहरी हाँ, असं भी कहने कि रोड खुले होने चाहिए, ठीक है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन इस इन गरीबों का भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि गरीबों को जो ज्यादा कर रहे हैं ये 2-2.5 महीने तू ये गरीब बेरोजगार हैं, यकीन करो ऐसे लोग हैं तो मैं लैके जा सकना हूँ, ठीक है, ऐसे लोग हैं जेडे के चली चली 50-50 हज़ार लख 2-2 लख के कर्ज ही हो गए, ठीक है जी, और गरीब रोटी तो तंग आए, इन्होंने मुँह तो आखिरी वाला छिड़ा जा रहा है जेडा कि सरासर ज्यादा है, ठीक है जी, इन्होंने कोई हदूद दी जाए, ठीक है, किसी दूसरे लोग बाहर जगह फिलहाल अगर बाहर मुतबादल जगह देनी मुतबादल जगह देनी चाहिए, अगर फिलहाल खुदा ना खासा नहीं है किधरे, ठीक है जी, फिर उन्होंने महदूद जगह दी जाए, ठीक है, जिस तरह के बड़ा मार्केट मेरे भरा ने नाम लेता है, ठीक है, बड़ा मार्केट काफ़ी खुली जगह है, ठीक है, अगर महदूद दी जाए दो पशु ट्रैफिक लंघ सकती है, ये तो उत्थे जो सदर से अजमतुल्ला उसने भी किया, ठीक है जी, असल गल इसी तरह निम्बू मंडी है, निम्बू मंडी अगर 4x6 की जगह दी जाए, ठीक है जी, दो पशु ट्रैफिक भी जा सकती है, और मेरा ख्याल है कि कारोबार भी हो सकता है, और लोग जेड़े वो बाइज़त रोज़गार कमा जाते जितनी देर तक इन से कोई और जगह नहीं होती, ठीक है जी, इन्हें उन्होंने सेटिंग किया जाए ताकि ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, सानी गल समझ आ गई कि इन्होंने आखने का मतलब आ कि जेड़े तजावजात कायम करने ले लोग जेड़े रेड़ीबान है या जिन्हों को ठेले है या जेड़े आम मजदूर आदमी लोग है उन्होंने कोई मुतबादल जगह दी जाए, बड़ा वैलिड पॉइंट है, और कोई भाई मेरे नाल होर मौजूद है, कोशिश कर सल कर स। अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या हाल है भाई जान? अल्लाह का करम ठीक है। कैसे? जी अल्लाह का करम ठीक है। आपने सर जी आज ऑपरेशन शुरू किया हुआ है? जी हमारे तो तकरीबन एक माह से ज़्यादा हो गया, डेढ़ दो माह हो गए हैं। ठीक है, ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन हो रहा है और अब असिस्टेंट कमिश्नर आकम खान की सरबराई में हो रहा है ऑपरेशन। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं उनके साथ हम। अब एक माह से ज़्यादा हो गया, ठीक है, रोज़ की बिना पर आप अपने यहाँ पे चले जाएँ, राजा बाज़ार चले जाएँ, इकबाल रोड, लियाकत रोड चले जाएँ, नमक मंडी चले जाएँ, इधर रोज़ की बिना पर ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, हमने देखा कि ऑपरेशन हुआ, हमने हाकिम खान साहब के साथ, नाजरीन आपको मालूम होगा, हमने प्रोग्राम भी किया जब कमेटी चौक उन्होंने ऑपरेशन किया ये टूवर्ड्स बीबीएच हॉस्पिटल, तो उस टाइम भी हम उनके साथ थे, हमने पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर किया। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िला इंतजामिया ने ये ठान लिया है कि शहर को जो है वो तजावजात से पाक करना है। अब भाई मेरे साथ मौजूद हैं, चले मेरे जहन में एक सवाल आ गया है, ऑपरेशन ये आज भी कर रहे हैं, आप ऑपरेशन करते हैं, गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन ये जो रेडी वाले हजरात होते हैं ये सारे सिटी सदर रोड का रुख करते हैं, फिर जैसे ही आपकी टीमें वापस रवाना होती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो की जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो भी रवाना होना शुरू हो जाता है इस साइड पे, इस पे क्या कहेंगे? ये सर ये अलग अलग अपना ये इकबाल रोड की भी रेणी है, लियाकत रोड की है, ठीक है, और ये सर और अपना और ये जो है ना राजा बाज़ार में भी खड़ी होती है, लेकिन जब हम आते हैं तो ये एक ही रोड का रुख करते हैं, ठीक अंदर चले जाए, और ये हमारे ये रोड हमारे उसमें प्लान में अभी तक अपना शामिल नहीं है, और ये आज से ये शामिल हो गया, आज से ये रोड भी शामिल हो गया सिटी सदर रोड। तो आकिम साहब जो है ना अभी आए थे, आकिम खान साहब, उन्होंने बोला कि ये इस रोड को भी साथ क्लियर करना है, तो इंशाल्लाह ये आज से इस पर भी वर्क होगा, ठीक है, रेडी इंशाल्लाह खत्म हो गया। आप ये कह रहे हैं कि हूँ किसान नसन राह नहीं लगा? नहीं, हूँ नहीं लगा जी। बड़ी मेहरबानी आपकी जी। कौर भाई मेरे साथ मौजूद है, इंस्पेक्टर हैं ये भी TMA में, इनसे भी बात कर लेते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उमर अब्बासी नाम है सर। बिस्मिल्लाह करा बासी जी, मेरे साथ अपनी जुबान निकाल। सही है, ठीक है, सही है। बासी तो वैसे भी पिंडी पर वैसे ही काबस है। यही गल काबस तो नहीं है लेकिन नाजरीन मैं मखोल की था माड़ी आदत ही सही पता, वैसे बासी ज्यादा है पिंडी, माड़ा नानेहाली सारा बासी है ना, ता मैं गल की थी। भाई साहब ये दसो कि सर तजावजात ना ऑपरेशन तकरीबन पिछले एक महीने तो ही मुतवातर हो रहे, लेकिन जो तजावजात माफिया ये भी जरा ना पिछे हटने नहीं पे, वजह क्या सर? ये तुसा कि तक हो असी दो महीने तू असों ऑपरेशन चल रहा, एसी सिटी आकम अली खान साहब की सरबराई से ऑपरेशन होना पाया सर। असा तो अपनी तरफ पूरी कोशिश की, और जिस दी ताकत सी मशीनरी इस्तेमाल हुई ऑपरेशन की, ये तजावजात ऐसी चीज़ है कि ये मतलब माफिया है, इसी एक एरिया से क्लीयर करने वो उस दूसरे इलाके शिफ्ट हो जाने, हम स्टैप बाई स्टैप आकम खान साहब की सरबराई असी ऑपरेशन कर रहे, जिस पहला बीटा लगिया ने मरी रोड हो गया, राजा बाजार, बाड़ा, फुहारा चौक, डिंगी खूई, इतने तक बीट है, इसे तक कमर्शल मार्केट, पहले फेज असी ये एरिए क्लीयर करा रहे हैं। हम स्टैप बाई स्टैप इसी तरह पंडोड़ा हो गया, बाकी जरा सादकाबाद इधर असी ऑपरेशन कर रहे हैं। सादकाबाद की गल की उमर भाई, मैं एक जहन च आ गया चूंकि मेरा तलक टोकल खान नाला, मेरी रिहायश उतई था नाजरीन, मैं भी अपने इस प्रोग्राम तो ही फायदा चाहवा, उमर भाई ने थोड़ी तवज्जो इस तरफ मबजूल करा कि उमर भाई सादकाबाद इस कोई शक नहीं, लेकिन टोकल खान भी टॉप पर है, अगर गुजरसो तो पैदल चलने ना रस्ता नहीं होने लगा, तो उस साइड का भी सर जी कोई ऑपरेशन कर सटो, कोई लोगों की जरा ना पता लगे कि इस पास भी इंतजामिया है, ये भी इंतजामिया नहीं डूबे सर। कल बकायदा ऑपरेशन होया सादकाबाद, पहला दिन सी कल उधर, और पहले उन्होंने वार्निंग दी, कल पहला दिन सी, कल बकायदा जो शेड वायरस ने वो असी बन के आए, बाकी आज ना दिन भी तकरीबन उधर ही ज़्यादातर साढ़ा रहा सी, तो एसी सिटी साहब उसे कल ऑपरेशन करके आए थे, साढ़ा अमला भी सी मशीन। मतलब है कि मैं सोचा कि अगला स्टेप जो है वो जी बिल्कुल हूँ सादका बाद टोकल खान ये एरिए सारे क्लियर होने ने, इस एरिए भी बहुत मतलब है कि माफिया दुकान सब तो बड़ा माफिया दुकानदार है, दुकानदार बाहर अगर ठिया लवाने तो 18 से 15 हज़ार रुपया उस ठिए ले कर चार्ज करने हर महीने ना, सिर्फ उसकी एक लाइट देती ना उसना बिल अलग देना, तो एक कोई ऐसा भी लाइमल तैयार करने पे हाकिम खान साहब के दुकानदारों के खिलाफ कोई स्ट्रिक एक्शन हो, कोई FIR लॉन्च की जुले, कोई उन्होंने सबक सिखाया जुला, ताकि एक गरीब आदमी अगर बाहर हो रेड़ी लाना वो अगर मजदूरी करना तो उस तो ज़्यादा किरदार जोड़ा उस दुकानदार ने जो महीने बाद 15 हज़ार या 18 हज़ार या 20 हज़ार या 22 हज़ार उसको कलैक्ट करना बिल अलग, उसने खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर। ये पिछले 2-3 दिन तू अस नहीं यही जा रहा प्रोसेस कि जिस दुकान ने अगे रेड़ी लगी असं उस दुकान की तस्वीर बनाने हूँ, एक्शन दुकानदार ने खिलाफ हो, पंडोले भी 3 दुकाना सिर्फ इस वजह तो सील हो कि दुकान ने अगे जो रेड़ी लगी सी, हूँ उन्होंने दुकानदारा उन्होंने की सा जवाब देरी तक रेड़ी लगी
कि भाई जान इतू रेहड़ी हटा लो ये मैं असं अपनी मौजूदगी जे काम करवाए ने बाकी हम यही है क्योंकि दुकानदार के अगे रेहड़ी ला लेना तो उसना यह है कि फिर वो मंथली जी होनी किराया उसू लैके तो अगे जरा निज़ाम चलाना हम असी दुकानदारा के खिलाफ भी एक्शन लै रहे ये पंडोड़े तो एक काम दो तीन दुकाना ना ये होया ने दुकाना सील हुई इस जगह जो एक दो जगह विच करके आया हफ्ता एक हो गया इधर भी हो रहा है इकबाल रोड लियाकत रोड राजा बाजार रोज़ अपना आने ठीक है जो भी अपना लैन असी ना एक दी हुई है त्रै फुट की लैन दी उस तो बाद एक इंच भी जड़ा होना दुकान उसकी सील हो जानी है एक हफ्ता एक हो गया उस दिन भी इतना राजा बाजार नौ दुकाना सील हो रोज़ ही बुनियाद तो आने ने इसी साहब ठीक है को अठ नौ दुकाना सील होनी इकबाल रोड लियाकत रोड बाड़ा मी के अपना राजा बाजार ये जो बाजार है ना चार पाँच इस रोज़ दुकाना सील हो रही हैं जो बड़ा अच्छा नाजरीन इसका मतलब आए इंस्पैक्टर साहबान दोए मेरे भाई मेरे नाल मौजूद है और ये दसने पे कि दुकानदार हजरात जोड़े है वो हुशियार बाश हो जुड़न हूँ क्योंकि हम जो ना बता नहीं किन्ना आने लगा ये बता ही है एक किस्म ना कि रोड सरकारी है रोड तो बंदे ठीक है लाया और तुसा उसकी जगह फराहम कर गया सिर्फ एक लाइट उसना भी वो बिल पे करना उसना भी बिल वो गरीब देना जो एक ठीक है लाने वाला गरीब आदमी है अपने बीबी बच्चे ना पेट पालना वो भी 22,000 रुपया महीने ना तुसा की भी देना तो बिल भी जोड़ा ना 4-5,000 रुपया देना यानी 30,000 रुपया उसकी महीने ना खर्चा पी जाना लेकिन TMA जी इंतजामिया है और हाकिम खान साहब ने बड़े सख्त इंस्ट्रक्शन दियाँ कि हूँ दुकानदारा की माफ़ी नहीं लभन लगी प्रोग्राम में किसा एक निकी जी ब्रेक इतों ही वापस आके कंटिन्यू कर सा माड़े नाल रहा है वेलकम बैक जी नाजरीन प्रोग्राम किदी सी असं एक निकी जी ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और वापस अच्छे नाल तुसानी मुलाकात करासा कुछ होर लोगों नाल भी और गुफ्तगू तुसा मुलायजा की इंस्पैक्टर साहबान नाल भी असं तुसानी गल कराई उस तो अलावा जिहड़ा असं तुसानी मुलाकात कराई साफी भाइयों नाल भी और दीगर लोगों नाल भी हुण मैं तुसानी मुलाकात कराण लगा जिहड़े छाबा फरोश असां ने भाई है ना जिहड़े जैनुअन मजदूर लोग है इन्हां नाल कराण लगे हैं क्योंकि इन्हां नाल रुजगार भी इंज ही चलना तो इन्होंने बारे जी अगर मैं गल करना सा कि कोई अगर इन्हें कि मुतबादल जगह लेकिन जगह ऐसी होवे कि जिथे रुजगार होवे ये ना होवे कि किसी पिंडी ने आखिरी कोने सट्टी सटो इत लाई किनो जी सिस्टम तो जिथे गरीब सारी दिहाड़ी तकने रहन तो मुड़ी शामी एक दूए नाल मशवरा करन यारा कोई अद्धा किलो किलो तू चाहिए किन्दा अद्धा किलो किलो मैं चाहिए किन्ना इस तरह मामला चलसन भाई मेरे नाल मौजूद है और स्पैशल ये तक है असं किया है कि असा नहीं भी गल पहुँचाओ बिल्कुल असा ना हक है असा ना एक कम है कि असा आवाम नहीं गल करनी और आवाम ने मसाइल ने हल नहीं गल करनी तो भाई मेरे को आ गए इन्होंने को पुछा क्या आखना चाहे सामने सलामकुम सलाम भाई जान असी सही कह रहे तुम सफाई होनी चाहिए रोटा खोल जाए ये नहीं है गलत सही है मगर यकीन मन सौ दो महीने जब ये रोला गोला शुरू हुआ है भाई ये 1,000 रुपये में किराया दे रहे इस रंग बिल हो गए इस रंग खर्चे हो गए हर चीज़ डबल है इस रंग कुछ जगह सानू मिल जाए मतलब चल साढ़े भी कारोबार चल जाए मगर ये रोड शोड भी बंद ना हो साढ़े ये मतलब है और कोई नहीं है सरकार को बस यही साढ़े दरखास्त है जरा साड़ी भी कोई सोच ऐसी भी गरीब आदमी है इसी मुल्क दिया कोई बाहर तो नहीं है सर साढ़े नाल भी कोई ना कोई इंसाफ होना साफ होनी चाहिए ना इंसाफ ही नहीं असी भी निके निके बचे मेरा माशाल्लाह 7 बचे और रात मतलब 1,000-2,000 खर्चा ना हो फिर तो तुम पता ही सर आटा महंगा चीनी महंगा घी महंगा हर चीज़ तक माशाल्लाह 8 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तुसा की सोच नहीं आई कि अगला दौर बहुत मुश्किल है बस देने वाला रब जो रब जात दे रहा है कोई मना कर सकते रब जात नहीं दिया उसे इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई शक नहीं देनी अल्लाह ने जात दिया लेकिन बंदा भी तो कुछ सोचना ही है ना बस अभी सोचने से बाहर निकले हैं सर आज निकले कोई साड़े के बारे में कोई सोच है खैर है कोई जगह दे दे असी भी कोई इतना नहीं है मतलब रोड बांधे असी भी देख रहे ये गल नहीं मगर साड़ी के लिए कोई जगह लग जाए असी भी मतलब बच्चे के लिए सलामत रखन जी बड़ी खूबसूरत इन्हें गल की खान और अल्लाह इतने पठान ने लेकिन तुसा तो को पटवारी बहुत सोहनी बोली है जने तो गल इस तरह नहीं है कि इन्होंने भी हक है पाकिस्तानी सिटीजन है और नैशनैलिटी है इन्हों को आई डी कार्ड है पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने बासी है तो इंतजामिया की चाहिए ना कि ठीक है तजावजात के खिलाफ जोड़े ऑपरेशन है वो बिला तफरीक जारी रहने चाहिए लेकिन जोड़ा गरीब छाबा फरोश है या कोई रेहड़ी बान है उसकी कोई ऐसी मुतबादल जगह फराहम की जाए जिस नाल
और रिजके हलाल कमाई के अपने बीवी बच्चों का पेट पाली सकै, जिहड़ा कि इस दौर ने अंदर बहुत मुश्किल हो चुकिया। हर बंदा जिहड़ा वह परेशानी ने आलम मुबतला आ, चाहे वह रेहड़ी बाह आ, चाहे वह दिहाड़ीदार आ, चाहे वह रंग साज आ, चाहे वह मोटरसाइकिल मकैनिक आ, कोई भी आ, वो परेशान इस वास्ते है कि हालात ही नहीं है लोगों ने। लोग जोड़े है वह एक तो गुरबत ने सताए, उपरू महंगाई जोड़ा लोगों ने जीना आराम किया, सारे मामलात हो चुके और गवर्नमेंट जी है उसने बावजूद कोई रिलीफ आवाम की हाले तक उस तरह फराहम नहीं कर सकी जिस तरह करना चाहिए। आलू प्याज और टमाटर ने रेट एक दफा फिर असमान गलों पर करने को और भाई मेरे मौजूद है, ये भी कुछ आखना चाहना इन्होंने को पूछ किन्ने सामने। वालसलाम, इंतजामिया काम अच्छा कर रही है सर। सर तुसा ना तलक केड़े लागे नाल माड़ा पिंडी नाल तलक है? पिंडी नहीं बोलिया, तुसा जुबान थतलाने हो। ना 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 भाई, पिंडी ने माड़ा तलक, इंतजामिया काम अच्छा करनी भी गल है कि असा की 15-20 साल हो गए यही काम करने हैं, ठीक है। असा छोटा स्टाल लाने, असा की माकूल जगह छोटा छोटा दे दी जाए, असा ना लोगों का कारोबार बच्चों का रोजगार चलना रहे। असी ये ना आखने के परेशान रोड ने सेंटर ही जोड़े लोग लाने उन्होंने खिलाफ परेशान होना चाहिए, जेडे सैड उपर उन्होंने की थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए ना। बस माड़ी यही है कि सैड पर कितना मतलब होनी चाहिए, कितनी जगह मुख्तस होनी चाहिए, एक छाबा फरोश इस तरह 2.5-3 फुट 3.5 फुट 2-3 फुट भी हो जो छाबा है लाने गुजारा करी गिना, बस उसकी क्या है बच्चों के मारे 2000-1500 मिल ही जाना, वो निजाम चलाई गिना है। बस माड़ी इंतजामिया के यही है कि जी फुटपाथ है इन्होंने उपर रेहड़ी छाबे आलिया की खास तौर पर छाबे आलिया की तंग ना किया जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, रेहड़ी आलिया ने भी सख्ती की हुई है तो छाबे आलिया ने भी समान चुप कट देन तो उसी सारे ही मरी गए हैं। बस ये कि बस सुखी नाल सिन्नी भी बिल्कुल जी सुखी रूट से काम करने सर 5 लाख रुपया मंडी के कर्जदार हो गए, क्यों सो इधर छोड़ने नहीं है, सौदा लिया वो खराब हो जाने, जब पानी पा लिया वो रुकने वाला सौदा नहीं है, केला लिया वो खराब होने, मंडी से इतना कर्जदारी हो गया मतलब है वो सौदा भी बड़ा मुश्किल ना लग रहे दे रहे। 5 लाख रुपया फिर लासो किस तरह? हाँ जी, तो बहुत ज्यादा कर्जा चाहिए, बहुत ज्यादा हूँ मजबूर है, क्या करा अपना नहीं कमान है तो मंडी वाला तो कासन है, मंडी वाला तो कल ये मंडी वाले कम ही ना हो सुना कम ही बस वही हिसाब है, आगे बन आते बन के अंदर क्या कैसी पैसे लिया हो या मतलब है जान छोड़ो वो तो पुलिस वाला हिसाब है सर, असी भी मजबूर है, करसाई है रेड़ी वाले परूट वाले सानू भी कोई थोड़ी जगह दे दे, असी भी ये नहीं कह रहे बस 3-3.5-3 फुट जगह खैर है शहर में दे दे, नहीं दे सकते कोई सैड करके 3 फुट जगह जी 3 फुट जगह। नाजरीन डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी और वकार हसन चीमा साहब डिप्टी कमिश्नर है रावलपिंडी ने, अगर तुम प्रोग्राम तक हो तो थोड़ा जहाँ गरीबों पर रहम करे, और हाकिम खान साहब एसी सिटी बहुत अच्छा तुम कम कर रहे हो सर जी, लेकिन यह है कि तजावजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होने चाहिए, लेकिन कम अज़ कम 2.5-3 फुट जगह है जो छाबा फरोश हजरात है ना और जो अंदरून बाजार है मतलब जिते इतनी या गड्डिया नहीं रश या ज़्यादा सर्विस नहीं जानी, इन लोगों की थोड़ा जहा फैसिलिटेट करने वाले नाल, चूंकि गरीब लोग है इन्होंने रुजगार जोड़ा इतों ही चलना, इन्होंने रुजगार इस तरह चलना, अगर इन्होंने रुजगार ही बंद हो जुलसी तो ये फिर क्या कर सो खान जी? सर अल्लाह हर एक मुसलमान बचावे, यही है जोड़ा करने अगले लोग बस यही हिसाब तक तैयार करना, जोड़े कहते अल्लाह हर एक मुसलमान बचावे बुरे काम से, असी तो हक अल्लाह मतलब है कि लोगों की पूरी तरफ जाने पुठे रस्ते पर जाने जोड़ा ना इन्हें कि बचाने की इकदाम जोड़ा करने हो सन, और कमिश्नर रावलपिंडी की यह सोचना चाहिए कि वह इन्हों लोगों की कोई मुतबादल जगह फराहम करन। बुजुर्ग एक मेरे नाल मौजूद है इन्हों भी गल करने, वालेकुम सर। बुजुर्गों क्या आखना चाहते हो? मैं आखना चाहना कि सर इतने बिजली ने बिल आने पे इतने आने, मैं पहले 86,000 रुपया बिल भरया, आज तू मेरे ख्याल 2 महीने पहले हूँ मेरा बिजली ने बिल आया 1,26,000 रुपया। सर्दी हूँ शुरू होगी तकरीबन 1,26,000 रुपया मेरा बिल है, 40,000 रुपया मैं भरया और बकाया जात मेरे उत्थे ही पे वे, मैं तो यही आखना चाहना कि वजीर आजम ने खुदा वास्ते कि गरीबों पर तरस खाओ रहम करो, असं बहुत सख्त परेशान हैं, बच्चियां बच्चे ब्याने या बिल ही भरने रही है सारी जिंदगी। 1,26,000 रुपया बिल इस महीने ना? जी जी 1,26,000 रुपया मेरा बिल आया। मतलब है कि नाजरीन सूरत हाल है कि वाबडा वाले जोड़ा ना वो उन्हें की पूछना ही कोई नहीं सर, मैं उन्हें की पता कि असा की कौन पूछी जी, जहाँ मर्जी भेजी आओ बस, और जो मीटर रीडर रचना उसकी समझ नहीं लगनी वो क्या करना, क्यों जी? सर मैं यही आखना कि अल्लाह करे मैं तो इतना एक तंग आ गया अपनी बच्ची ने ब्याह करना तो किस तरह कर सा, या बच्चे ने कर सा तो किस तरह कर सा, यही पे आना पे कि हुकूमत नाल
कि अल्लाह खुदा रा गरीबा दे तरस खाओ रहम करो। असा सख्त परेशान है, सख्त परेशान है जी। बुजुर्ग इस कोई शक नहीं नाजरीन के हर बंदा जड़ा, मैं अगे भी जिक्र किया कि हर बंदा परेशान है, हालात तू तंग है, बेरोजगारी तू तंग है, महंगाई तू तंग है, बिजली ने बिलों तू तंग है, गैस ने बिलों तू तंग है, पेट्रोल दी कीमतों तू तंग है, सब्जी आलू प्याज गोभी कद्दू शलजम हर चीज़ तू तंग है। और मैं पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया चकंदर जिन्हें की पूछना कोई नहीं सा 800 रुपया किलो है, तो फिर है तो असा मुसलमान हाँ, और कोई भी चीज़ जदों नीड होनी असा की जरूरत होनी उसने रेट असा अपनी मर्जी नाल मुख्तस करी किन्ने आ, क्योंकि असा की पता है कि पाकिस्तानी कौम अपना आप भी बेचा ना, लेकिन वो घिनसी जरूर जहरी कर अजकल डेंगी ने माहौल चल रहा और चकंदर और जड़ा रेड ब्लड आ उसने जो रेट है वो भी असमान गल कर रहे। तो जिले इंतजामिया इस हवाले ना जो ना ख्वाबे खरगोश ने मज़े लुट रही वो बस है तजावजात तो नज़र आ रही, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ये भी सुते अपने कमर इन्हें की भी चाहिए कि यह जड़ा आ इस हवाले न कोई इकदम करन कोई हालात सैट होवन लोगों की रिलीफ लभे, गरीब ने जोड़ा चूल्हा है वह मुस्तकिल चलना रहे, गरीब की रिलीफ लभे, गरीब ने बिजली ने बिलों आसानी होवे, गैस ने बिलों आसानी होवे, दीगर चीज़ों आसानी लभे। ये तमाम तर सूरत हाल ही नाजरीन अज ने प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी तमाम तर सूरत हाल मैं तुमने सामने रखी हमेशा नहीं तरह अपना फर्ज अदा किया, अगले प्रोग्राम किसी नवे टॉपिक ने नाल तुहाडी खिदमत जरूर हाजिर हो सा। तब तक अपना अपने प्यारियां दा ढेर सारा ख्याल रखियो, मिकी अपने मेज़बान आसिम रियाज की दियो इजाजत, अल्लाह सुना हमियो नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।